हाय गाइस, सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गर्ल्स लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, तीन चार दिन से हमने कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई है। तो इसका कारण यह था कि जो है काम इतनी समय बहुत ज़्यादा है और मैंने जो है अभी काम पर ही ज़्यादा फोकस किया है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज मैं आप लोगों के बीच दो बातों को लेकर आया हूँ और दोनों बात आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो गाइस, चलिए जो दो बात करनी है, तो सबसे पहले बात ये करनी है कि जो बहुत सारे भाई लोग ये कहते हुए रहते थे कि आईफोन का मोबाइल ले लो और काम जो है बहुत अच्छा चलता है और बहुत अच्छा काम आता है उस पर और काम जल्दी पकड़ता है। तो मैं इस पर पहले बात कर लेता हूँ, फिर आगे जो बात करनी हो करूँगा। तो गाइस, ये तो बात सही है कि आईफोन के मोबाइल में काम पकड़ता है और काम ज़्यादा आता है और आदमी काम ज़्यादा कर सकता है। लेकिन दो दिन से एक नई अपडेट आ गई है आईफोन वालों के लिए और फ्री लांचर वालों के लिए, जो फ्री लांसर में काम करते हैं उनके लिए मतलब एक परेशानी, समझिए परेशानी आ गई है। अब परेशानी क्या आ गई है ये भी आप लोग को मैं बता दूं। परेशानी ये है कि पहले जो अमाउंट दिखाता था कि हम इतना रुपये आपको चार्ज दे रहे हैं यहाँ जाना, अब वो आईफोन मोबाइल में बंद कर दिया गया है। अब जो है सीधा तलब आती है उसमें अमाउंट नहीं रहता है। जो भाई लोकेशन को समझ रहे हैं उनके लिए काम करने में आसानी हो रही है, लेकिन जो नए भाई हमारे आईफोन के मोबाइल लिए हुए हैं या जो है वो काम कर रहे हैं उन्हें अभी समझ में नहीं आएगा। तो ये अब कंपनी क्या कर रही है कि मर्जी उसकी है, वो कितना अमाउंट दे रही है ये आपको नहीं दिख रहा है, अब कंपनी अपनी मर्जी से दे रही है। आप तलब लेके जाइए, छोड़िए, जब वहाँ आप डिलीवर कर देते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि हम यहाँ आए थे, हमको इतना पैसा मिला। और पहले जो था, पहले ये था कि जो है आप को मोबाइल में जब आपके डिलीवरी आती थी तभी आपको जो है मालूम पड़ जाता था कि ये इसे मैं इतनी दूर जाऊंगा तो ये मुझे इतना पैसा मिलेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं सिस्टम, दो दिन से ऐसा चल रहा है कि जो है बंद कर दिया गया है। अब तलब आती है, कोई अमाउंट नहीं दिखता है। अगर आपको पकड़ना है पकड़िए, तलब नहीं पकड़ना है तो छोड़ दीजिए, इसमें कंपनी को कोई टेंशन नहीं है और ना ही आपको अमाउंट। जब आप वहाँ डिलीवर कर दोगे तभी आपको पता चलेगा कि हमें कितना चार्ज मिला। तो ये था आईफोन वालों को, बहुत लोग बोलते हुए फिर रहे थे कि मैं आईफोन पे काम करता हूँ, इतना कर लेता हूँ, उतना कर लेता हूँ, लेकिन अब थोड़ा दिक्कत हो गई है। दिक्कत ये हो गई है, या तो फिर आँख बंद करके आना धुना आप काम करिए, जिधर की तलब आए उधर की तलब पकड़िए करिए, कोई टेंशन नहीं है। बाद में शाम को जो है कैलकुलेशन करिए कि हमने इतने का तेल डाला, इतना हमारा बचा है, तो ठीक है आप बिंदास काम करिए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इतनी दूर जाऊंगा कितना पैसा मिलेगा ये है, तो आप काम तो करेंगे लेकिन काम आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो काम आप पहले करते थे उतना काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेंशन लगा रहेगा। जहाँ पहले आज के चार महीना पहले जो है हमें 25 रियाल मिलता था, आज वहाँ का जहाँ हमें पहले 25 रियाल मिलता था आज वहाँ 16 रियाल मिलता है, जहाँ हमें 36 रियाल मिलता था वहाँ आज हमें जो है 25 रियाल मिलता है। तो बहुत सारा डिफरेंस हो चुका है। कंपनी में कंपनी है, कंपनी अपना रूल चेंज करती रहती है, अपना नियम कानून चेंज करती रहती है। हम फ्री लांसर वाले हैं, हमें काम करना है तो हम करेंगे, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, वो अपनी मर्जी से पैसा देती है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। आप जो भाई समझ सकते हैं लोकेशन वो बआसानी काम कर रहे हैं और नजदीक की ही तलब पकड़ रहे हैं, और जो भाई नहीं समझ पा रहे हैं वो भाई क्या करेंगे, मजबूरी है उनके पास, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं, समझने में टाइम लगेगा और किसी के बताने से भी इतनी जल्दी समझ में नहीं आ जाने वाला है। तो हमने बहुत सारे भाइयों को बिठा बिठा के समझाया है लेकिन अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं भाई लोग और गलती कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। और मेरी कोशिश ये रहती है आप लोगों को जो है जो भी बात सही हो वो समझाता रहूँ, बताता रहूँ, तो यही रहती है। और दूसरी जो बात मैं करने वाला हूँ, ये बात मैं करने वाला हूँ कि कमेंट बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे कमेंट में जो है कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत सारे लोग दुआ भी देते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि भाई हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो हमें भी खुशी होती है कि भाई हमने वीडियो बनाई और लोगों ने कुछ हासिल किया। लेकिन इस बीच तीन बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किया है और वो अपने अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करते हुए कमेंट किया है, तो इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कमेंट करने वालों को सोचना चाहिए कि हमारी जबान से निकला हुआ शब्द ये दर्शाता है कि हम कौन सी कैटेगरी के हैं या हमारी परवरिश करने वाला इंसान कैसा था। तो इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा कमेंट करने वालों को, क्योंकि भाई देखिए हमारी जबान ही हमें लोगों को दर्शाती है कि हम इंसान किस कैटेगरी के हैं और
हमारी परवरिश करने वाले लोग कैसे थे और हमारी परवरिश कैसी है, तो हमारी जबान से ही सब कुछ पता चल जाता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का अपडेट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। चलिए फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। खुदा हाफिज़।